आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तीन ऑप्शन है और पूछा गया है इसका रीजन भी। तो देखते हैं, सबसे पहला कह रहे हैं जब वह मलेरिया से ठीक हो रहा हो। ठीक, मतलब यहाँ क्वेश्चन में है कि किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो रहा है, ठीक है, हो सकता है। तो जो मलेरिया होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, जो कि मच्छर इसका क्या होता है, वाहक होता है। तो ये कह रहे हैं कि जब वो मलेरिया से ठीक हो रहा हो, ठीक है, तो मलेरिया से ठीक हो रहा हो तो इसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला गया है कि वो किस रोग से फिर से संक्रमित हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो ये ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ दिया होता तो उसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक, यहाँ बोला गया ठीक हो रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा है, वह मलेरिया से ठीक हो चुका है, मतलब वह मलेरिया से ठीक हो चुका है और वह चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये हो सकता है, मतलब मलेरिया रोग से ठीक हो चुका है और चेचक रोगी की सेवा कर रहा है। तो जो चेचक होता है, ठीक है, इसे हम क्या बोल देते हैं स्मॉल पॉक्स, ये किससे होता है? विषाणु से होता है। किससे? विषाणु, ठीक है। और वो जो विषाणु है उसका क्या नाम है? वेरियोला। क्या नाम है? वेरियोला विषाणु से होता है ये, ठीक है। और ये क्या है? संक्रमण या संक्रमिक 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 रोग है, ठीक है। क्या है ये? संक्रमिक रोग, मतलब जिस भी व्यक्ति को अगर होगा, अगर वहाँ पे आप जाएंगे या उसके संपर्क में आएंगे तो आपको ये चेचक रोग हो जाएगा, जिससे क्या होता है, शरीर में बड़े बड़े से दाने निकल जाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पस वगैरह होता है। ठीक, तो वही कह रहे हैं ये कंडीशन बन सकता है, मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है, वह मलेरिया से ठीक हो चुका है और वह चेचक रोगी की सेवा कर रहा, तो इससे क्या हो सकता है, पुनः बीमार। लेकिन अभी एक ऑप्शन और हमारे पास, देखते हैं। कह रहे हैं मलेरिया से ठीक होने के बाद वह 4 दिन का उपवास रखता है, उपवास करता है और चेचक रोगी की सेवा कर रहा है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा, क्यों? देखते हैं। देखो, जो हमारा बी ऑप्शन था उसमें कह रहे हैं कि सेवा कर रहा है लेकिन चेचक रोगी की सेवा कर रहा है। तो यहाँ चेचक रोगी की सेवा कर रहा है लेकिन जो जिस रोगी को संक्रमण होना है, वो रोगी का मतलब वो व्यक्ति कैसा है, ठीक है, इसके बारे में नहीं पता। लेकिन यहाँ तीसरे में बोला गया है कि वह 4 दिन का उपवास है। तो यहाँ जब 4 दिन का ये उपवास करेगा, ठीक है, क्या करेगा? उपवास। तो उपवास की वजह से उसमें क्या आएगी, ठीक है, उसके जो प्रतिरक्षा तंत्र है, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होगा उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमजोर। तो कमजोर होने की वजह से क्या होगा, ठीक है, कमजोर होने की वजह से क्या होगा, ये जो हमारा वायरस है यानी विषाणु है, वो उस व्यक्ति को क्या कर जाएगा, संक्रमित कर जाएगा। और इस व्यक्ति में नहीं बोला गया था कि वो उपवास रखा है, तो इसका प्रतिरक्षा तंत्र बहुत मजबूत है, जिससे कि वो विषाणु रोगकारक उस व्यक्ति के शरीर में घुस नहीं पाएगा, ठीक है। तो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने की वजह से इसे, क्योंकि क्यों कमजोर हो रहा है, क्योंकि इसे संतुलित मात्रा में, ठीक है, संतुलित मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो इससे क्या होगा, मिल रहा है, ठीक, तो इससे क्या होगा, इसके प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा, जिससे कि ये विषाणु इस रोगी को आसानी से संक्रमित करेगा और वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, फिर से बीमार हो जाएगा। तो यही जो राइट ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड होगा। मतलब ये हमारा जो कथन है, मलेरिया से ठीक होने के 4 दिन बाद उपवास करता है और चेचक रोगी के सेवा कर रहा है, तो ये ज्यादा इससे चांसेस हो सकते हैं सेकेंड ऑप्शन से। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा थर्ड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ए और बी गलत हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।